भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। एक्सपेक्स प्राइम की थ्रिलर वेब सीरीज साइबर सिंगम एक नया अध्याय के ट्रेलर में एक कड़वी सच्चाई दिखाई गई है। बच्चों के लापता होने के विषय पर आधारित है साइबर सिंगम सीजन 2 को आप 15 अगस्त को एक्सपेक्स प्राइम पर देख सकते हैं। 13 अगस्त को एक्सपेक्स प्राइम OTT ने अपनी ओरिजिनल वेब सीरीज साइबर सिंगम का एक नया अध्याय का जबरदस्त ट्रेलर मुंबई के रेड क्लब स्टूडियो में लॉन्च किया है, जिसे दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर देखकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है और वे पूरी सीरीज के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। OTT एक्सपेक्स प्राइम की हेड सुमिता दास ने बताया कि इस शानदार सीरीज में कपिल सोनी और पारस मदान ने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है, साथ ही व्योमकिंग उप्रीति ने भी उसमें एक पुलिस वाली की भूमिका निभाई है। उच्चय चक्रवर्ती भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रेलर लॉन्च पर अभिनेत्री श्वेता खंडूरी और मानसी श्रीवास्तव गेस्ट के रूप में मौजूद रही। सभी ने ट्रेलर की प्रशंसा की। ये बड़ी गर्व की बात है क्योंकि 15 अगस्त है और उस दिन रिलीज हो रहा है। पारस और शोमिता जी ने जो मेहनत की है, जो हम लोगों से मेहनत करवाई है, वो ऑनर आ रही है इस ऐप पर जिसका नाम है एपेक्स प्राइम। बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे दिन ऐसी सीरीज रिलीज हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। सी, आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कोरोना के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह पर ये ऐसा हो रहा है। छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यू नो, चाइल्ड मॉलेस्टेशन, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो साइबर क्राइम, ऐसे जो केसेज हैं जो डे बाई डे पेंडिंग चले जा रहे हैं। और वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका नाम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह है, जिन्होंने ऐसे केसेस को हाथ में लिया और देखते देखते बहुत सारे केसेस एकदम सॉल्व किए। क्या कुछ चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करना? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं ओरिजिनल लोकेशंस हैं, फाइट सीक्वेंस थे, चेजिंग थी, अपने आप में पुलिस वाले का रोल करना गर्व की बात है। करना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही यू नो इन्फॉर्म या उनके पास जाना पड़ता है मदद के लिए। तो एक पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में ही गर्व की बात है। इसमें ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। अभी जैसे कि ये मोटिवेशन के ऊपर है, लड़कियां गायब हैं, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया को माना जा रहा है, तो आपका क्या राय है? नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मैं डालता हूँ। ये लोग हैं, पैसे के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, और उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान की जिंदगी जा रही है या किसी बच्चे की जिंदगी जा रही है। उनके लिए मैटर करता है पैसा। ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई, वो सिर्फ क्राइम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कोई मैटर नहीं करता कि कोई किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, उनके लिए मैटर करता है सिर्फ पैसा। और वो सोशल मीडिया से भी बिलोंगिंग बिल्कुल नहीं है। थैंक यू, आप लोग आए, अपना प्यार दिया और ट्रेलर को देखा, तो आपके मैं सवाल पे आऊँगा कि आपने ट्रेलर देखा, एक जिसमें हम रियलिटी दिखाना चाह रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जितने केसेस हो रहे हैं डे टू डे एवरी सेकेंड, लोगों को उसकी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि ठीक है किसी साथ इंसिडेंट हो गया, हुआ, पुलिस गई, पुलिस ने काम किया, बट उसके पीछे इतना भागदौड़ी होती है ना कि आप सोच के भी नहीं सोच सकते कि पुलिस वालों पर क्या बीतती होगी। तो वही हम मीडिया में जो दिखाना चाहते थे। मैं इसके अंदर SHO अखिल प्ले कर रहा हूँ, जो त्रिवेणी सिंह के राइट हैंड रहते हैं, बेसिकली जो IPS रहते हैं उनसे PRO रहते हैं। सो आई एम प्लेइंग एज अ PRO इन SHO। जो त्रिवेणी जी हैं उनके साथ रहेगा ये, बेसिकली जितने भी फील्ड है वर्क या उसके नीचे जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको हैंडल करेगा, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपको त्रिवेणी जी को डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने हैं वो सब यही काम करेगा। थ्रू आउट केस की डिटेल्स जहाँ पर बनेगी वो त्रिवेणी जी को जा मिलेगी। ओके, मैंने ये पुलिस का किरदार पहली बार किया है और मेरा रोल है, एक रोल का नाम है प्रेमा भुटिया, जो नॉर्थ ईस्ट की एक पुलिस अफसर है, जो त्रिवेणी और जो भी है उनको हेल्प करे। तो मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगी साइबर सिंगम के बारे में? 15 अगस्त को रिलीज होगी। आई थिंक काफ़ी अच्छी डेट है कि 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। पारस के साथ मैंने पहले भी काम किया, ही इज़ रियली टैलेंटेड, एंड अब और भी देख के अच्छा लग रहा है दैट शोमिता एंड पारस बोथ आर प्रोड्यूसिंग अ वेब सीरीज। अगर
It's a fabulous series because I come from an army background and I come from a police background, so I've seen how the life is. I've lived that life with my grandparents and my family. So I know how difficult it is, so I'm so happy when something like this comes up, and that was on 15th August. Something on a social issue, ki sab aware bhi rahe. और सबको पता भी चले कि हमें साइबर इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, आपके बच्चे उसमें कैसे फंस सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस मतलब कौन सी साइट पे कहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है, हम लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ रही है इंटरनेट पे, तो वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है. आई थिंक बहुत ही अच्छा एक ये है कि एक बर्निंग करेंट टॉपिक पे इन लोगों ने वेब सीरीज बनाई है, आई एम श्योर कि इससे सब लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी. बता ही दिया मैंने, साइबर सिंघम बनाने में बहुत मेहनत करी है और नया OTT प्लेटफॉर्म है. मुझे पता है कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं मार्केट में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बट हमारे प्लेटफॉर्म में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा किस कुछ सब्जेक्ट को सामने लाने के लिए जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा. मोस्टली रियलिस्टिक सब्जेक्ट को ही मैं फोकस कर रही हूँ. साइबर सिंह हम बहुत होप से बनाया है क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, मैंने पहले भी बताया कि मेरे होम टाउन से जुड़े हुए हैं सारे, तो ये स्टोरी बहुत ही खास है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, तो मुझे इस पॉइंट को सामने रखना चाहिए. और उससे भी बड़ी बात है कि सोशल मीडिया, आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम बिना सोशल मीडिया के शायद दो मिनट भी नहीं रह सकते, विदाउट फ़ोन, विदाउट कुछ भी. तो सोशल मीडिया के जैसे एक अच्छा साइड भी है, वैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी है. तो ये बेसिकली यही दिखाया गया है कि जैसे बड़े ख़ानदान में जो माँ बाप है, जो वर्किंग है, बच्चों को बस फ़ोन दे देते हैं. हम भी सोचते हैं बहुत स्मार्ट है बच्चे की, फ़ोन गैजेट्स फ्रिक हो गया है आजकल, सब कुछ आता है उनको, बट वो अच्छा तो है बट कितना बुराई है उसके ऊपर भी ये सीरीज़ है कि बच्चे कैसे सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं कैसे, और यही दोस्ती कैसे वो गायब हो जाते हैं, कैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पहुँच जाते हैं. तो इसी पर पूरी कहानी. सुपर ट्रेलर बहुत अच्छा है और सबका काम भी बहुत अच्छा है, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुपर है और करंट टॉपिक है. तो आई होप एंड वी विश देम ऑल द सक्सेस, ये बहुत अच्छा करें. आई वुड रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें और सपोर्ट करें. थैंक यू. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.